वेलकम टू माई YouTube चैनल थिंक बोर्ड अकेडमी स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को कंप्लीट करना है। याद रहे, ये दोनों क्वेश्चन अभी तक आपके पास पेपर में नहीं आए, लेकिन ये डिफरेंट कॉलेजेस अपने फाइनल पेपर में दे रहे होते हैं, तो लिहाजा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फ्यूचर ये आपके पास पेपर में, यानी कि फ्यूचर में पेपर में आ सकते हैं, तो इनको आपने गौर से समझना है। चलो जी, इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 की हेडिंग डाल दी है, पढ़ते हैं उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यूजिंग स्लोप्स, स्लोप को यूज करते हुए प्रूफ डैट, प्रूफ करो 5, 6 एंड -3, 0 एंड 4, -2, ठीक है, और द वर्टिक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। बेसिकली क्या प्रूफ करना है, स्लोप को यूज करते हुए प्रूफ करके बताओ ये जो तीनों वर्टिक्स हैं, तीन जो पॉइंट हैं, वो किसके हैं, राइट ट्राइंगल के हैं। अब राइट ट्राइंगल क्या होता है बेटा, बेसिकली आपको पता है ट्राइंगल क्या होती है, ट्राइंगल होती है उसके तीन शेप हों, और ट्राइंगल की एक टाइप है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब होता है कि उस तीन साइडों में से किसी दो साइड के दरमियान में क्या बन रहा होगा, 90 का एंगल बन रहा होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। जिस तरीके से यहाँ पे बनाया, क्या आप देखेंगे इन दो साइड के दरमियान में क्या बन रहा है, दो साइड के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 का ये राइट ट्राइंगल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बात हमें पता है, लेकिन अब इसे प्रूफ कैसे करके बतानी है स्लोप की मदद से, वो आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसने तीन वर्टिक्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, 6, 5, फिर अगला क्या दिया हुआ है, माइनस, अगला क्या लिखा हुआ है, बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, उसके बाद सी दे देता हूँ, सी अगला क्या लिखा हुआ है, 4, -2, ठीक है स्टूडेंट। तो और दी वर्टिक्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, बेसिकली एक राइट ट्राइंगल बनाना, ये प्रूफ करके बताना कि तीनों वर्टिक्स इसके हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अब जरा आपको मैं बताता हूँ सोल्यूशन। सबसे स्टूडेंट, आप सबसे पहले यहाँ ये तीनों साइड के क्या करें, स्लोप मालूम करें, ठीक है। अब स्लोप मालूम करने के बाद आप देखेंगे उन तीनों जो स्लोप मालूम करेंगे ना, इस साइड का और इस साइड का, उन तीनों में से किसी दो स्लोप के ऊपर ना ये परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लग रही होगी, ठीक है। आप परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लगाएंगे, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करें, ये तो वो -1 आंसर आ रहा होगा, तो आप फिर वहां पे प्रूव हो जाएगा, हाँ भाई इनके अंदर किसी दो साइड के अंदर 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन लग रही, तो ये प्रूव हो गया कि तीनों वर्टिसेस राइट ट्राइंगल के। इस तरीके से हम प्रूव करेंगे, आप इसका सोल्यूशन देखेंगे आपको इससे और ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि भाई ये किससे वर्टिसेस है, राइट ट्राइंगल के। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं प्रूव करना है राइट आपको इसके नाम नहीं दिए, तो लिहाजा कंसीडर करें, फर्स्ट को ए कह दें, दूसरे को बी कह दें और तीसरे को सी कह दें। तो लिहाजा इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं और इसको मैं सी कह देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नाम भी हमने दे दिए। अब आगे क्या करना है जरा देखें स्टूडेंट, बारी बारी इन तीनों के हमने क्या मालूम करने हैं, स्लोप मालूम करने हैं। तो लिहाजा यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले स्लोप मालूम करूंगा, फाइंड द स्लोप, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ साइड ए बी, ठीक है स्टूडेंट। तो ए बी साइड क्या है, ए बी साइड ये है, ठीक है। तो इसके स्लोप को मैं बोलता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि एम लिखा, एम का मतलब स्लोप और ए बी मतलब छोटा सा ए बी लिख दिया, यानी कि इस साइड का जो स्लोप होगा उसको मैं ए बी कह देता हूँ। तो इस साइड का स्लोप मालूम करते हैं। तो बेटा इस साइड के स्लोप में दो कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है। तो ए पॉइंट आपके पास 6, 5 है और दूसरा पॉइंट आपके पास -3 और 0 है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को आप x1 y1 कंसिडर कर दें, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 कंसिडर कर दें। अब आपको यहाँ पे क्या मालूम करना है, स्लोप मालूम करना है। तो आपको पता है जब दो पॉइंट दिए जाते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं स्लोप मालूम करने के लिए। तो भाई फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप बराबर हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है स्टूडेंट। अब वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 और y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 और y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 5 है, डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो x2 की वैल्यू आपके पास -3 है और -x1 है, तो x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, 6 है। तो इसको सिंप्लीफाई करें जरा, देखें यहाँ पे क्या बना, -5 / -± + तो ये माइनस का 9 बन जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए आपका जो स्लोप आया, आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 5/9 जो आ गया आपका स्लोप आ गया इस साइड का आपका क्या स्लोप आया, 5/9। अब क्या करेंगे, अब स्लोप ऑफ डैश साइड मालूम करेंगे। तो इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई फाइंड द स्लोप, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ साइड
साइड बी सी, ठीक है स्टूडेंट। तो बी सी साइड का स्लोप मालूम करेंगे, तो इस साइड के स्लोप को मैं बी सी कह देता हूँ, छोटा सा एम लिखा और छोटा सा बी सी लिख दिया। तो यहाँ पे दो पॉइंट कौन से यूज हो रहे हैं, एक बी और दूसरा क्या है सी। तो बी आप पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है माइनस थ्री और जीरो, और सी पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है फोर और माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट वाले पॉइंट को आप एक्स वन वाई वन कंसिडर कर दें और दूसरे वाले पॉइंट को एक्स टू वाई टू कंसिडर कर दें। अब यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, स्लो मालूम करना है बी सी वाला। तो इधर फॉर्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वैल्यू पुट करते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस टू माइनस y1, y1 की वैल्यू आपके पास जीरो है। अब डिवाइडेड करना है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू आपके पास फोर है और x1 की वैल्यू आपके पास माइनस थ्री है, तो माइनस माइनस प्लस का थ्री हो जाएगा। तो इसको आगे चलते हैं, तो सर देखें माइनस टू ऊपर बचा और नीचे आपके पास सेवन बच जाएगा। तो लादा स्लोप ऑफ बी सी साइड आपके पास क्या आया, माइनस टू अपॉन सेवन, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गई कहानी खत्म। अब इस तरीके से यहाँ का जो स्लोप था वो क्या था बी सी, वो कितना निकला माइनस टू अपॉन सेवन, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, फाइंड, ठीक है फाइंड द स्लोप, ठीक है फाइंड द स्लोप ऑफ साइड, अब कौन सी साइड रह गई ए सी रह गई है। तो लिहाजा यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ साइड ए सी, तो यहाँ के स्लोप को हम कह देंगे ए सी। तो स्लोप मालूम करने के लिए यहाँ पे दो पॉइंट चाहिए, तो दो पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सी है। तो ए पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे सिक्स और फाइव, और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है फोर, ये फोर और माइनस टू लिखा हुआ है। तो फर्स्ट वाले को आप एक्स वन वाई वन कंसिडर कर दें और दूसरे वाले पॉइंट को एक्स टू वाई टू कंसिडर कर दें, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको स्लोप मालूम करना है, तो स्लोप का फार्मूला क्या है, यहाँ पर स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y2 की वैल्यू है यहाँ पे माइनस टू, फिर y1 की वैल्यू है फाइव, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे फोर है और माइनस x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे जरा देखेंगे तो आपके पास माइनस टू बच जाएगा। तो जरा देखें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो स्लोप ऑफ ए सी आपका क्या निकल के आया, सेवन अपॉन टू निकल के आ गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो तीनों साइड के जो स्लोप थे वो आपने मालूम कर लिए, ठीक है बच्चों। तो अभी तक क्या करना है, किया है आपने इन तीनों साइड का स्लोप मालूम किया, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे वो जरा देखिए स्टूडेंट। तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा इस पेज पे, इसको लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। तो ये जरा देखिए, इसको कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर। तो बेटा जरा देखिए आप लोगों ने अभी तक क्या किया, तीनों साइड के स्लोप मालूम करें। अब ये आपने खुद अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि अब कॉमन सेंस लगानी है कि ऐसे दो स्लोप को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जिसका आंसर माइनस वन है, तो उसको जरा देखें क्या होगा, एक गेरा स्लोप, एक गेरा स्लोप और एक गेरा स्लोप। बेटा आप जरा देखें इस स्लोप को और इस स्लोप को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस वन आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आप लिखें यूजिंग, ठीक है यूजिंग परपेंडिकुलर, ठीक है परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन, ठीक है परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये क्या है राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल अगर ये होगा तो इनके दो साइड के अंदर 90 का एंगल बन रहा होगा, तो 90 का एंगल का मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन लगाएंगे उनके स्लोप के ऊपर, तो उसका मतलब वो प्रूव हो रहे होंगे, सेटिस्फाई हो रहे होंगे, तो हम कह देंगे हाँ भाई ये तीनों साइड जो है, तीनों जो तीनों पॉइंट जो है वो एक राइट ट्रायंगल के। तो लिहाजा यूजिंग परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन क्या होती है भाई, एम वन यानी कि एम वन मल्टीप्लाई बाय एम टू इजिकल टू माइनस वन आना चाहिए। तो लिहाजा अब यहाँ पे आपने खुद अपने कॉमन सेंस यूज करते हुए देखें कौन से स्लोप हैं दो, एक है बी सी और एक है ए सी, ठीक है स्टूडेंट। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख दें एम वन बन जाएगा बी सी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी, ठीक है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वन आने चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि साइड ऑफ बी सी यानी कि ये वाली साइड, बी सी क्या था आपके पास ये रहा, बी सी थी ये वाली साइड और फिर क्या है ए सी ये वाली साइड, दोनों एक दूसरे से क्या बना रही है 90 का एंगल बना रही है, और फिगर के अंदर भी देखेंगे ये एक दूसरे से 90 का एंगल बना रही है यानी कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही है। तो याद है यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो चलें जी आगे करते हैं। तो सर देखिए बी सी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस टू अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए सी, तो स्लोप ऑफ ए सी क्या है सेवन अपॉन टू इजिकल टू माइनस वन। तो सर देखें ये टू और ये टू, सेवन और 7 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पे आपके पास माइनस वन बच जाएगा और इक्वल टू माइनस वन। तो अब यहां पे देखेंगे प्रूफ हो गया, ठीक है प्रूफ हो गया क्या, यहां पे आप लिखेंगे इस प्रूफ की बजाय यहां पे लिखें सेटिस्फाई, ठीक है सेटिस्फाई हो गया। अब यहां पे आप लिखें हिंस प्रूफ, ठीक है अब यहां पे लिखें हिंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया हिंस प्रूफ द थ्री पॉइंट, द थ्री पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स, ठीक है आर द वर्टेक्स ऑफ राइट ट्राइंगल, ठीक है आर आई जी एस टी राइट ट्राइंगल, ठीक है स्टूडेंट राइट ट्राइंगल के सेटिस्फाई होगा, क्यों क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कंडीशन लग रही है। तो लगा अब ये लाइन जब आप लिख देंगे तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे आके आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह आगे के क्वेश्चन करते हैं।
स्टूडेंट। तो अब मैंने क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ें मैंने पहले लिख के रख लिया ताकि हमारे लिए सोल्यूशन जल्दी हो जाए। तो ज़रा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है यूजिंग स्लोप, स्लोप को यूज़ करते हुए फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है पैरेललोग्राम का। इफ 7, -1, -3, -5 और दी थ्री कंसिक्यूटिव वर्टिसेस। बेसिकली कह रहा है कि स्लोप की मदद से ये एक पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स मालूम करके बताओ, जबकि उसके तीन वर्टेक्स आपको दे दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे स्लोप की मदद से कैसे मालूम करेंगे बेटा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इन चारों साइड का स्लोप मालूम करें। ठीक है स्टूडेंट, स्लोप मालूम करने के बाद ये दोनों स्लोप एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन कंडीशन को यूज करते हुए क्या होगा भाई, ये दोस्तों एक स्लोप, दोनों जो लाइनें हैं एक दूसरे से पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो लिहाजा इन दोनों साइड के स्लोप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिहाजा वो दोनों जब इक्वल करेंगे तो इन साइड से और साइड से दो इक्वेशन आपके पास बन के आएंगी। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू समझ निकल के आ जाएगी। अगर कुछ मुश्किल लग रही है तो सोल्यूशन देखें आपको बहुत ही आसान लग जाएगा। तो जरा देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम कहा गया था और थ्री वर्टेक्स ये थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगला जो ये कह रहा था ये फोर्थ वर्टेक्स जो है उसको मालूम करके बताओ, तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्स और वाई कहते हैं, जो हमें मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे डालनी है हेडिंग प्रूफ की। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि भाई ये पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के वर्टिस प्रूफ करने हैं। फिर उसके बाद में लेट करेंगे कि क्या लेट क्या करना है, क्योंकि बेसिकली एक दो और तीन वर्टिस नहीं है वो आपने लिखे, और उसके बाद चौथा वर्टिस जो आपको मालूम करना है उसको आपने डी कह दिया और एक्स और वाई को कंसीडर कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले वाले को ए बी और सी नाम दे दिया और जो फोर था उसको एक्स और वाई कह दिया जो आपको मालूम करना है, और इसको क्या नाम दे दिया, डी। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी दे देते हैं ताकि हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी रहे। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात हो गई, अभी तक हमने खाली इनको नाम दिए हैं। अब आगे क्या करना है जरा देखें स्टूडेंट। सबसे पहले इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे, इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे, इस साइड का स्लोप और इस साइड का स्लोप, बारी बारी इन चारों के स्लोप को मालूम करेंगे। तो इस साइड के स्लोप को मैं छोटा ए बी कह दूंगा, इस साइड के स्लोप को मैं एम बी सी कह दूंगा, इस साइड के स्लोप को मैं सी डी कह दूंगा और इस साइड के स्लोप को मैं ए डी कह दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए डी दो जो पॉइंट आ रहे हैं उस साइड के मैंने वो कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बारी बारी चारों स्लोप मालूम करूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द साइड ए बी, यानी कि साइड स्लोप मालूम करूंगा, साइड स्लोप ऑफ साइड ए बी यानी कि ए बी साइड का स्लोप मालूम करना है। तो इसके स्लोप को मैंने एम ए बी कहा है, तो लिहाजा एम ए बी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जरा देखिए स्लोप मालूम करने के लिए दो पॉइंट जो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ए और बी है, तो ए और बी आपने लिख दिया। फर्स्ट वाले को एक्स वन वाई वन कंसिडर कर दिया, दूसरे वाले को एक्स टू वाई टू कंसिडर कर दिया। आपको यहाँ पे स्लोप मालूम करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है ये वाला, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, तो बेटा एक्स टू की वैल्यू आपके पास क्या है, वन, तो वन लिख दी। एक्स वन वाई वन की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस वन, तो आपने माइनस लिखा और फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस कर दिया। फिर उसके बाद में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू की वैल्यू माइनस थ्री और एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे है सेवन, तो आपने लिख दिया। अब इसको कहते हैं सिंप्लीफाई, वन और वन टू और माइनस माइनस प्लस किया तो माइनस टेन बन गया। इसको आपने कैंसिल आउट किया तो ऊपर वन बजेगा और नीचे फाइव बजेगा और ये माइनस रहेगा। तो लिहाजा स्लोप ऑफ डैश साइड आपके पास क्या निकल के आ गई, माइनस वन अपॉन फाइव। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने स्लोप मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से इन तीनों साइड के आगे के जो चारों साइड है उनका स्लोप मालूम करते हैं। तो जरा देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ साइड बी सी, तो बी और ये सी इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे। तो यहाँ पे दो पॉइंट क्या है, बी और सी है, तो आपने बी और सी लिखा। फर्स्ट वाले को एक्स वन वाई वन, दूसरे वाले को एक्स टू वाई टू कंसिडर कर दिया। स्लोप का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से आपने वैल्यू सिंपल पुट करी और इसको सिंप्लीफाई किया तो स्लोप ऑफ बी सी आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसी तरीके से स्लोप ये वाला मालूम करेंगे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि स्लोप ऑफ बी सी आपने क्या निकाला, माइनस टू निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला स्लोप मालूम करेंगे। तो लिहाजा फाइंड द स्लोप ऑफ साइड सी डी, तो स्लोप ऑफ साइड सी और डी इस साइड का स्लोप मालूम करेंगे। इसको हमने क्या कह दिया, स्लोप ऑफ एम सी डी कह दिया। ठीक है, तो दो पॉइंट क्या है, यहाँ पे सी और डी है, तो लिहाजा दो पॉइंट मैंने लिख दिया। फर्स्ट वाले को एक्स वन वाई वन, दूसरे वाले को एक्स टू वाई टू कंसिडर कर दिया। स्लोप मालूम करना, तो स्लोप का फॉर्मूला ये रहा, दो पॉइंट जब दिए गए तो यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट करी, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वैल्यू पुट करिए, जरा देखिए यहाँ पे क्या है वैल्यू, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे वाई है, वाई टू की वैल्यू, वाई टू की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है वाई, तो आपने वाई लिख दिया। फिर माइनस वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू आपके पास फाइव है, तो फाइव लिख दिया। इसी तरीके से एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू एक्स है, तो आपने एक्स लिख दिया। और एक्स वन की वैल्यू आपके पास माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये ऐसी का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, वाई माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव, तो ये आपका स्लोप किस साइड का आया, इस साइड का आया। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लस का है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब ये लास्ट साइड रह गई है, तो लिहाजा लिखते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ साइड ए डी, यानी कि ए डी है इस साइड पे, तो ए डी का स्लोप मालूम करेंगे। इसको हमने स्लोप ऑफ ए डी कह दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट, एम और छोटा सा ए डी लिख दिया इसके उसके नीचे। अब आप क्या करें, यहाँ पे दो पॉइंट क्या है, ए और डी है, तो वो ए और बी पॉइंट, ए और डी पॉइंट लिख दिए। फर्स्ट वाले को एक्स वन वाई वन, दूसरे वाले को एक्स टू वाई टू कंसिडर कर दिया है। आपको स्लोप मालूम करना है, तो स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है,
वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू यहाँ पे वाई टू और वाई वन की वैल्यू क्या है, वाई टू की वैल्यू आपके पास एक्स है, वाई टू की वैल्यू आपके पास वाई है और वाई वन की वैल्यू आपके पास माइनस वन है, तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू की वैल्यू यहाँ पे एक्स है और एक्स वन की वैल्यू आपके पास यहाँ पे सेवन है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आपको पता है अब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लाता इस साइड का जो आपका स्लोप है वो क्या निकल के आ गया, वो यही रहेगा। ठीक है जी, वाई प्लस वन और एक्स माइनस सेवन, तो लाता ये इस तरीके से आपके पास निकल के आ गया है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हो गई कहानी। तो अभी तक आपने क्या किया, ये चारों साइड के स्लोप मालूम करे। अब हमने यहाँ पे क्या करना था, फोर्थ वर्टेक्स मालूम करना है। तो उसके लिए हम जरा देखिएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ लगा देता हूँ, देखें ये इजी रहेगा मेरे लिए, इसको समझाने में इजी रहेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लगाता हूँ, इसको सीधा करके यहाँ पे लगा देता हूँ। अब जरा देखें यहाँ पे क्या करेंगे। अब स्टूडेंट आपने चारों साइड के स्लोप मालूम कर लिए हैं, अब आप क्या करेंगे, यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन। पैरेलल लाइन कंडीशन कैसे यूज करेंगे बेटा, ये और ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और इस तरीके से ये और ये दोनों एक दूसरे पैरेलल है। तो जब ये दो एक दूसरे से पैरेलल है तो इनके स्लोप क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल है। ठीक है, पैरेलल लाइन कंडीशन को यूज करते हुए, तो भाई स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, तो लिहाजा मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, और एंड उसके अलावा ये दोनों साइड भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो लिहाजा स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो लिहाजा स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहां से ये दो कंडीशन जो है मैंने यहां से मालूम किया। अब इन कंडीशन को यूज करते हुए यहां से मैं दो इक्वेशन मालूम करूंगा, उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करूंगा, जो ही बेसिकली कोऑर्डिनेट है फोर्थ वर्टेक्स के, तो वहां से मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को ले लेते हैं, फर्स्ट चीज को ले लेते हैं, वो क्या है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब यहां पे क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है, स्लोप ऑफ ए बी है बराबर है माइनस वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। तो स्लोप ऑफ सी डी क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ सी डी है y माइनस फाइव डिवाइडेड बाय x प्लस फाइव। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करी सी डी की और ए बी की, सी डी की ये थी सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस वन है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो वन प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव और मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस फाइव। ठीक है जी स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये क्यों करूँ, ताकि इक्वेशन जो है सीधी हो जाए, माइनस मल्टीप्लाई किया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, फाइव वाई और माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए जरा देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके साथ माइनस वन मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स आएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो उधर देखें ये माइनस का इज इक्वल टू सब पे जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस वाई ऑलरेडी है वो लिखा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। तो जरा मुझे बताएं, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और माइनस ट्वेंटी है, तो यहाँ पे आपके पास माइनस ट्वेंटी बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने इस कंडीशन को यूज करते हुए ये इक्वेशन बना ली, अब हम इस कंडीशन को यूज करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखें फोर स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो अब वैल्यू पुट करते हैं स्लोप ऑफ ए डी और बी सी की। तो ए डी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, ए डी की तो यही सामने लगी हुई है, तो जरा वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो बी सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, यहाँ पे बी सी स्लोप ऑफ बी सी क्या है इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसको सिंप्लीफाई करें, जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस सेवन। ठीक है जी स्टूडेंट, ये सिंपल है, ये इधर इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स और माइनस माइनस प्लस फोर्टीन हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे, माइनस का इज इक्वल टू साइड पर आगे प्लस का हो गया, यहाँ पे प्लस वाई ऑलरेडी था, ये प्लस का इधर आके माइनस का हुआ, तो ये माइनस फोर्टीन प्लस वन किया तो माइनस थर्टीन आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई, इसका नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर बी। तो अब आपने क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करेंगे। तो लिहाजा जरा देखिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, अब अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं, यहाँ पे देखूंगा कि अगर देखें अगर यहाँ पे टू एक्स को अगर मैं इक्वेशन ए के साथ टू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन बी के साथ, तो लिहाजा टू जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा ये टू हो जाएगा और माइनस करूंगा तो ये एक्स खत्म हो जाएगा और यहाँ पे फिर आपके पास सिंपल वाई रह जाएगा, तो जो वाई की वैल्यू आएगी फिर इक्वेशन वन ए या टू में पुट करके वहाँ से मैं एक्स की वैल्यू मालूम कर लूंगा। तो इस तरीके से मैं एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करूंगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं भाई क्या करूंगा कि 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन ए, ठीक है, एंड ए को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, एंड क्या करूंगा, एंड ए एंड डी एंड एडेड इन इक्वेशन बी, फिर इक्वेशन बी के अंदर क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो चलिए ये सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन ए से, तो इक्वेशन ए ये नहीं 2 मल्टीप्लाई किया तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो जाएगा 2x, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10 का हो जाएगा और फिर 2 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा और ये 0, इस तरीके से 40 आ जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, और 0 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद क्या करना है, एंड एडेड इन इक्वेशन बी, तो इक्वेशन बी ये रही, तो इक्वेशन बी के अंदर क्या कर दिया,
ओ सॉरी ऐड थोड़ी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करूंगा जब भी तो कैंसिल आउट होगा, तो भाई गलती होगी, छोटी माजरत। तो ऐड सब्ट्रैक्ट लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, सब्ट्रैक्टेड करेंगे यानी कि माइनस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, माइनस करेंगे जब भी तो कैंसिल होगा। तो लिहाजा यहाँ पे देखें इक्वेशन बी लिख दी, अब इसे माइनस करेंगे, तो आपको पता है जब माइनस करते हैं तो साइन सारे चेंज होते हैं, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो जरा देखें ये प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो गया, एक्स हो गया खत्म। अब देखें 10 माइनस 1 किया तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 9, ठीक है वाई। अब आगे जरा देखें यहाँ पे क्या बचा, ऊपर जरा देखें यहाँ पे अक्सर बच्चा प्लस माइनस में गलती करेगा, यहाँ पे देखें माइनस 14, ठीक है, और ये क्या है प्लस का 13 हो गया, तो प्लस 13 किया तो आपके पास माइनस 27 आ जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट, और इजिकल टू 0। अब यहाँ से देखें वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जरा देखें ये माइनस का इजिकल टू को साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो कैलकुलेटर में 27 लिखें, डिवाइडेड बाय 9 करें तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने किसकी वैल्यू मालूम करी, वाई की वैल्यू मालूम कर ली, क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है x की वैल्यू मालूम करनी है, तो बेटा x की वैल्यू मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जो y की वैल्यू इक्वेशन a या इक्वेशन b जिस दिल में करें वहां पे आप पुट कर दें। तो लादा मैं लिख देता हूं पुट दी वैल्यू वैल्यू ऑफ y, ठीक है जी, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, ठीक है, इक्वेशन a के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो जरा देखें इक्वेशन ए क्या है, यहाँ पे x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 20, तो x ऐसी कैसी रहेगा प्लस 5x की y की जगह y की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या निकाली आपने 3 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, 3 5 3 था 15 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो जरा देखें यहाँ पे 15 माइनस 20 किया तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगी। तो अब मुझे बताएं आपको क्या रिक्वायर्ड था रिजल्ट, आपको बेसिकली क्या मालूम करना था, फोर्थ वर्टेक्स मालूम करके देना था, ठीक है जी स्टूडेंट, फोर्थ वर्टेक्स मालूम करके देना था, वर्टेक्स बोलते हैं या फोर्थ पॉइंट मालूम करके देना था, जिसको आपने डी कंसीडर किया था और डी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई थे। तो लादा यहाँ पे आपने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर ली, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से आपने एक पैरेललोग्राम के स्लोप की मदद से वर्टेक्स मालूम कर लिए, जो कि आपने मालूम किया 5 एंड 3। तो सिंपल यहाँ पे आगे आपकी इस वीडियो को हम करते हैं कंप्लीट, इंशाल्लाह आगे मिलेंगे, अल्लाह।